सर पे घूंघट डाले चिनू अपने पति का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पति उसके समीप आते हैं और उसका घूंघट हटाते हुए कहते हैं, अरे चिनू तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा। क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ और आपको मेरी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाइट तो भगवान की देन है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिन्नू काफी खुश हो जाती है, तभी अचानक से खट 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 की आवाज़ सुनाई देती है। चिन्नू ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलती है और आँख खोल कर देखती है, ये तो सपना था। पैसों की लालच में आकर मोहन की माँ मोहन की शादी एक बौनी लड़की चुल्लू से करवा देते हैं। आज चुल्लू और मोहन की स्वागरात है। चुल्लू घूंघट ओढ़े मोहन का इंतजार कर रही होती है, तभी मोहन आता है। ये माँ भी ना मुझे कहाँ फंसा दी एक बौनी लड़की से मेरी शादी देकर। क्यों जी, आप खुश नहीं है मुझसे शादी कर कर? कौन भला तुमसे शादी करके खुश हो सकता है? तुम्हारी हाइट देखियो और मेरी हाइट देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। इसमें मेरा कहाँ दोस्त जी, मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो? लेकिन मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, अब जाके चुपचाप सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। क्यों जी, आप यहाँ नहीं सोएंगे, आज तो हमारी पहली रात है। पहली रात को अगर आखिरी रात नहीं बनाना चाहती हो तो चुपचाप सो जाओ। मोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चुन्नू मनी मन जो सपने देखी थी सारे सपने टूट जाते हैं, हकीकत सपनों की दुनिया से काफी अलग थी। चुन्नू फिर से सोचने लगती है, ये क्या पापा, आपने मुझे किससे शादी दे दी, ये तो मुझसे प्यार करने से दूर मुझसे ठीक से बातें भी नहीं करते, अब मैं क्या करूं? नहीं पापा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इससे प्यार करूंगी और एक न एक दिन ये जरूर बदल जाएंगे और मुझसे प्यार करेंगे। एक सुबह शांति देवी और उसका बेटा मोहन दोनों हॉल में बैठे हुए थे, तभी शांति देवी आवाज लगाती है अपनी बहू को, अरे बहू बहू जरा आना इधर। आई माँ जी। क्या मम्मी, तुम भी किसको आवाज लगा दी सुबह सुबह? क्यों बेटा, वो तो कितनी अच्छी है और तू उससे ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा क्यों बेटा? क्या माँ, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम पैसे की लालच में आकर मेरी शादी एक बौनी लड़की से करवा दी, ना मैं उसे कहीं ले जा सकता हूँ ना ही कुछ। अरे नहीं बेटा, वो काफी अच्छी है। तभी चुल्लू वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, जी माँ जी कहिए। अरे बहू जरा हम दोनों के लिए एक ही कप चाय बना के तो लेके आ। हाँ हाँ माँ जी अभी लेके आती हूँ, आप दोनों के लिए बढ़िया वाला चाय। अरे नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का कोई चाय नहीं पीना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग सास बहू मिलकर बैठ कर चाय पियो। मोहन उठकर वहाँ से चला जाता है और इधर चुल्लू काफी मायूस हो जाती है। दिन हो गए शादी को, लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार करने तक दूर अच्छे से बात भी नहीं करता है। अरे बहू चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जाओ, वो तुमसे जरूर प्यार करेगा एक न एक दिन, अभी गुस्सा है, कुछ दिन में धीरे धीरे प्यार करने लगेगा, तू प्यार करना मत छोड़ना बेटी। मेरा बेटा का मन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समय लगेगा बहू, एक काम कर चल हम लोग दोनों चलते हैं, चाय बना के हम लोग दोनों पीते हैं। फिर शांति देवी और उसकी बहू चुल्लू दोनों चले जाते हैं चाय बनाने के लिए। एक शाम चुल्लू बेड पर खड़ी थी और उसका पति उससे कह रहा था, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। जी कहिए, कौन सी बात? अभी मेरा दोस्त आ रहा है डिनर पर, तुम कोई भी कीमत पर बाहर नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, कमरे में ही रहूंगी। हाँ तो कमरे में ही रहना, मैं चलता हूँ। ये बात कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन के घर आज उसका दोस्त डिनर के लिए आया हुआ था। मोहन और उसका दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अरे राजेश खाना स्टार्ट कर, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ यार करता हूँ, लेकिन तूने तो अपनी बीबी यानी मेरी भाभी से मिलाया तक नहीं यार, शादी भी कर लिया और भाभी से अभी तक भेंट नहीं करवाया। कहाँ है, बुलाओ तो उसे। अरे यार तुझे और क्या बताऊँ, वो मायके गई हुई है, जब आएगी अगली बार मिला दूंगा तुझसे, चल खाना खाते हैं। दोनों
खाना खाने के लिए स्टार्ट कर ही रहे थे। शांति देवी कमरे में बैठी थी, तभी उसकी बहू चुल्लू शांति देवी के पास पहुंचती है। अरे बेटी चुल्लू, तू यहाँ बाहर नहीं गई? मोहन का दोस्त आया है। हाँ माँ जी, इसीलिए बाहर नहीं गई, उसने मना किया मुझे बाहर जाने के लिए। अरे ये मोहन भी ना अपने दोस्त अपने बीबी को मिलाने से भी डरता है, क्या कहेगा। खैर छोड़। अरे बहू, मेरा माथा चक्कर दे रहा है थोड़ा सा, जरा आके दबा देना। हाँ माँ जी, अभी दबा देती हूँ। तभी अचानक से शांति देवी का सर चकरा जाता है। अरे माँ जी, माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हो गया आपको? सिर चकराने के कारण शांति देवी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसकी बहू चुल्लू ये देखकर काफी घबरा जाती है, कुछ समझ नहीं पाती क्या किया जाए। अरे अब मैं क्या करूँ, उनके पास जाऊँ वो तो डांटेंगे, मुझे बाहर जाने के लिए मना किए, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, डांटेंगे तो डांटेंगे, पहले माँ जी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, मैं जाती हूँ उनके पास। फिर चुल्लू जल्दी से मोहन को बुलाने के लिए उसके पास चली जाती है कि चुल्लू दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। अरे मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, अजी सुनिए ना, माँ जी का काफी तबीयत खराब हो गया, जल्दी चलिए ना देखने के लिए क्या हो गया माँ जी को, जल्दी चलिए ना। चुल्लू काफी घबराए हुए अपने पति मोहन से ये सब कहती है। तभी मोहन को काफी गुस्सा आ जाता है, वो अपने बीबी चुल्लू से कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना बाहर आने के लिए, लेकिन अंदर रहा नहीं जाता क्या तुमसे? जी वो माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए मैं आ गई। माँ जी की तबीयत खराब है, मैं जाके देख लूंगा, तू अभी अंदर जा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। फिर चुल्लू वहाँ से रोते रोते चली जाती है घर के अंदर। इधर उसका दोस्त कहता है मोहन से, अरे यार ये कौन है जो तुझे एजी एजी करके पुकार रही थी? अरे यार अब तुझसे क्या छुपाना, यही मेरी बीबी है। क्या तूने छोटी बच्ची से शादी कर ली? अरे नहीं यार, ये छोटी बच्ची नहीं है, बौनी है, मां ने जबरदस्ती इससे शादी करवा दी मेरी। अरे यार तेरी सिचुएशन देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोदी में उठा लो बच्चे की क्या काम है। क्या यार तू भी अब स्टार्ट हो गया? अरे नहीं नहीं यार, ऐसे ही मजाक कर रहा था, चल खाना खाते हैं। मोहन गुस्साते हुए चुल्लू के पास आता है कमरे में। मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तुम? वो जी मम्मी जी का तबीयत खराब हो गया था इसीलिए जाना पड़ा। तेरे चलते मुझे अपने दोस्त के सामने कितनी बेइज्जती फील हुई तुझे पता है? शारी जी माफ कर दीजिए, अब से दोबारा गलती नहीं होगी कभी। तेरी ये सॉरी कभी मुझे ले डूबेगी? बड़ी आई है सॉरी कहने वाली, एक बात कहता हूँ वो भी ठीक से सुन नहीं पाती है। मैं चलता हूँ, रहो अपनी। मोहन चुल्लू को सुनाकर चला जाता है, इससे चुल्लू को काफी बुरा लगता है। एक रोज मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है, ये खबर चुल्लू को पता चलती है। चुल्लू दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुँचती है और मोहन के पास पहुँचकर उससे पूछती है, अरे मोहन जी ये क्या हो गया आपका, कैसे हो गया ये सब? अरे वो नहीं पता, मेरा पैर कोई काम नहीं कर रहा है, एक गाड़ी ने आकर अचानक से टक्कर मार दी और मेरी नींद तो यहाँ खुली, मैं तो वहाँ बेहोश हो गया था। अरे मोहन जी आप चिंता ना करें, मैं जैसे भी होकर के आपको ठीक करवा के रहूंगी, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। फिर चुल्लू जल्दी जल्दी करके डॉक्टर साहब के पास जाती है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मोहन जी को क्या हो गया, क्या वो और चल नहीं पाएंगे कभी? अरे नहीं नहीं, वो जरूर चल पाएंगे, उसकी अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो वो पहले जैसा फिर से स्वस्थ हो सकते हैं और पहले जैसा ही चल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं मोहन जी की सेवा करूंगी, मैं मोहन जी को जैसे भी हो करके पहले जैसा करके रहूंगी। मोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। चुल्लू और मोहन डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, तभी चुल्लू कहती है, डॉक्टर साहब ये अब पूरी तरह से स्वस्थ है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ये एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। अगर आप जैसी बीवी अगर इनको नहीं मिली होती तो शायद ये बेड पर ही पड़े होते, आपने बहुत मेहनत की इसको स्वस्थ करने में, और आपको तो ऊपर वाले का कृपा मानना चाहिए कि आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, मैंने इसे कितना कुछ नहीं कहा लेकिन ये चुपचाप सुनती रही और मेरी सेवा करती रही, आज मैं स्वस्थ हुआ, बस इसी की कृपा है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम लोग चलते हैं।
हाँ हाँ जरूर आइए। फिर मोहन और चुल्लू दोनों हॉस्पिटल से आ जाते हैं। एक रोज हॉल में सभी कोई बैठे हुए थे, तभी चुल्लू की सास कहती है, अरे बेटा बहू तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आज तो चाय चुल्लू के हाथों से ही पियेंगे, काफी दिन हो गए हैं। अरे क्यों नहीं, अभी मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। मोहन जी आपके लिए और माँ जी आपके लिए भी गर्मा गर्म मलाईदार चाय। चुल्लू सबके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब चुल्लू इस घर में खुशी खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी। राधिका जैसे ही क्लास में घुसती है, देख 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 देख, सही कह रहा है सही कह रहा है, उस मैम को कैंसर हो गया है, देखो ना खून निकल रहा है। ये है राधिका। राधिका को अभी नई नई नौकरी लगी थी सरकारी स्कूल टीचर में, लेकिन वो नौकरी गांव में लगी थी, इसीलिए राधिका आज जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है। जल्दी से राधिका तैयार होकर बाहर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी एक बस आकर उसके सामने रुकती है। राधिका बस में चढ़ जाती है और बस चल पड़ती है। ये एक ही बस थी जो शहर से होकर गांव की ओर जाती है। बस बहुत ज्यादा उछल कूद मचाती है, तभी राधिका को एहसास होता है, अरे मुझे लग रहा है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? घर से पैड भी लेके नहीं आई, अब शायद वहाँ गांव में कोई दुकान होगा वहाँ ले लूंगी। बस गांव के रास्ते जा रही थी, इसीलिए ज्यादा उछल रही थी, जिस कारण राधिका को काफी प्रॉब्लम हो रहा था। बस आकर गांव की एक जगह रुकती है, जहाँ राधिका उतर जाती है। बस तो चल पड़ती है और इधर राधिका सोचती है, अरे मुझे पैड लेना था लेकिन यहाँ तो कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही है। फिर राधिका की नज़र एक दुकान पर जाती है। अरे वहाँ वो दुकान खुली हुई है, वहाँ जाके पूछती हूँ, हो सकता है वहाँ मिल जाए। फिर राधिका उस दुकान की ओर चल पड़ती है। राधिका दुकान के अंदर आकर देखती है कि एक खरूस अंकल दुकान में बैठे हुए हैं। अरे ये खरूस अंकल भी यहीं बैठे हैं, अब मैं क्या करूँ, और कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, इसी से पूछना पड़ेगा। फिर राधिका आगे आती है और उस अंकल से कहती है, अरे अंकल अंकल। हाँ हाँ कहो क्या बात है। वो अंकल पैड मिलेगा क्या आपके यहाँ? अरे तुम इस गांव में नहीं आई हो क्या? हाँ अंकल मेरी नौकरी लगी है यहाँ पढ़ाने के लिए स्कूल में, इसीलिए। इसीलिए तुम्हें पता नहीं है इस गांव में पैड वगैरह कोई यूज नहीं करते हैं, सब कोई कपड़ा यूज करते हैं। पहले मैं रखता था, अब नहीं रखता हूँ, यहाँ नहीं बिकता है बेटी, यहाँ तुम्हें किसी दुकान में नहीं मिलेगा, जाने के लिए तुमको शहर से लेके आना होगा। फिर राधिका उस दुकान से निकल जाती है। राधिका को वहाँ से चलकर स्कूल तक जाना था, जो काफी दूरी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई बस वगैरह या कोई सवारी नहीं चलती है, इसीलिए उसे पैदल ही जाना पड़ता है। अरे मैं और नहीं चल सकती लग रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है, क्या करूँ, लौट जाऊँ घर? लेकिन पहला दिन है आज, और आज ही एब्सेंट कर लूंगी तो क्या इसे चलेगा? आज स्कूल का पहला दिन था, इसीलिए राधिका एब्सेंट नहीं करना चाहती है, इसलिए वो स्कूल की ओर आगे बढ़ चलती है। राधिका अंत तक स्कूल तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सामने एक आदमी से पूछती है, भाई साहब सरकारी स्कूल यही है ना? हाँ हाँ मैम साहब, यही सरकारी स्कूल है हमारे गाँव का। राधिका की ये बात सुनकर दूसरे सर भी उनके पास पहुँच जाते हैं। अरे आप ही हैं क्या यहाँ नया मैडम जो आने वाली थी? हाँ हाँ मैं ही हूँ, और आप कौन? अरे मैं भी यहाँ का मास्टर हूँ, मैं यहीं पढ़ाता हूँ हिंदी सब्जेक्ट। अरे जाइए जाइए जल्दी जाइए, आज आपका पहला दिन है और आपका पहला क्लास, आपका क्लास में सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ हाँ जा रही हूँ अभी। फिर राधिका क्लास लेने के लिए चली जाती है। राधिका जैसे ही क्लास में घुसती है, सभी बच्चे कहते हैं, राधिका ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और सभी बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों, मिस मिस आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आज आप नई आई है? हाँ बच्चों मैं नई आई हूँ, आपसे तुम लोगों की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। चलो बच्चों अब अपनी अपनी किताबें निकालो और रीडिंग करना शुरू करो। मिस मिस पहले मैं पढ़ूंगा। अच्छा चलो पहले तुम ही पढ़ो। आप बच्चा बच्चा आप अच्छी बिकार को आप बुलकर पीर बाव हो जो आम बोई जो हवा जो 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 आप बोल जो जो आप। चलो गुड्डी अब तुम पढ़ो। यस मिस
इधर गुड्डी किताब पढ़ रही थी, तभी भोदू और छोटू दोनों बातें कर रहा था और हंस रहा था। देख 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 देख, हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। छोटू और भोदू दोनों मैम को देखकर हंस रहा होता है। फिर टिफिन की घंटी लग जाती है, सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। मैम को भी समझ में नहीं आता आखिर ये लोग हंस क्यों रहे थे। टिफिन के समय सभी बच्चे स्कूल से बाहर आकर खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन इधर छोटू और भोदू दोनों मिलकर कुछ बातें कर रहा था, मैम की तरफ देख रहा था और एक दूसरे से कह रहा था, अरे अरे उस मैम को कैंसर हो गया है, देखो ना खून निकल रहा है। क्या सच में हमें तो मैम से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें भी हो जाएगा। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और बाकी मास्टर जी को भी ये बात पता चल जाती है। जैसे ही राधिका खड़ी होती है उस पे लगा हुआ खून का धब्बा दिख जाता है। मास्टर जी तुरंत राधिका के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे आपको कोई तमीज उमीज है कि नहीं है? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी हालत देखिए पहले, फिर बोलिएगा क्या कह रहे हैं। सब बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, सभी बच्चे इस बारे में बातें कर रहे हैं, आपने तो यहाँ आकर पूरी बदनामी कर दी लगता है। लेकिन मैंने क्या किया है? पहले अपने आप को ठीक से देखिए नीचे, फिर बोलिएगा। फिर राधिका जैसे ही नीचे की ओर देखती है, उसका सारी पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो काफी लज्जित हो गई थी और क्या कहेगी कुछ समझ नहीं पाती है, और रोते रोते स्कूल वॉशरूम की ओर चली जाती है। तभी इधर गुड्डी और तितली दोनों बगल में ही खड़ी थी, उन दोनों को सारी बातें सुनाई देती है। तभी गुड्डी तितली से कहती है, अरे तितली तितली मैम को डांट क्यों पड़ा? अरे उनकी हालत देखी, नीचे पूरा खून जैसा लगा हुआ था, उनको कोई बीमारी हो गई है, इसीलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, चल पागल। गुड्डी को पता चल जाता है कि आखिर मैम को क्या हुआ है, वो तुरंत स्कूल वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ती है मैम के पास। राधिका वॉशरूम में आकर रो रही होती है, तभी पीछे से गुड्डी आती है दौड़ते दौड़ते और कहती है, मैम 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 क्या हो गया मैम, आप रो क्यों रही हैं? अरे गुड्डी कुछ नहीं हुआ बाबू, तुम जाओ। मैम मैम बताइए ना आप रो क्यों रही हैं? काफी जिद करने के बाद राधिका कहती है गुड्डी से, अरे गुड्डी बेटा मुझे जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए तुम चले जाओ। क्या मैम आपको पैड की जरूरत है ना, मैं अभी लेके आती हूँ, मेरे बैग में रखा हुआ है। अरे गुड्डी बेटा तुम्हें कैसे पता, और तुम पैड यूज करती हो? यहाँ तो इस गांव में कोई भी यूज नहीं करते हैं। हाँ हाँ मैम मुझे पता है, मम्मी कहती है कपड़ा यूज करने से बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ होती है, इसीलिए मम्मी मुझे पैड यूज करने के लिए बोलती है और हमेशा मेरे बैग में एक पैड रख देती है। मैं आपके लिए अभी लेके आती हूँ। फिर गुड्डी दौड़ कर जाती है और इधर राधिका इंतजार कर रही होती है। तभी फिर से गुड्डी आ जाती है पैड लेकर और राधिका से कहती है, मैम मैम ये लीजिए पैड। थैंक यू गुड्डी, आज तुमने बहुत मदद की मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो तुम्हें अच्छी शिक्षा दी और इस बारे में तुम्हें अच्छा से बताया।